हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारा इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है देसी कारा के बारे में। देसी कारा कैसे बनाते हैं उसके बारे में है। तो फ्रेंड्स चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने एक तपेले में हल्का थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसको जो है गैस पे डाल दिया है फ्रेंड्स गरम होने के लिए। गरम हो रहा है। अब इसमें जो है फ्रेंड्स मैं डालने वाला हूँ लौंग और काली मिर्च। मैंने इन दोनों की मात्रा कम रखी है, एक एक दो दो ही डाला है। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये चीज डाल दिया है, दोनों चीज मैंने देख सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स बारी है तुलसी के पत्ते की। ये है तुलसी का पात, इसको भी डाल दिया है। और अब मैं डालूंगा फ्रेंड्स इसके अंदर जो है सिंघार फूल का पात। ये सिंघार का पेड़ पात है जो कि फूल होता है। सिंघार का बहुत अच्छा खुशबूदार फूल होता है, तो ये जो है मिल जाता है अधिकतर जो है विलेज एरिया में लोगों के यहाँ होता है ये फूल का पेड़, तो वहां से सिंघार का पात है ये, इसको डाल दिया है मैंने। अब जो है फ्रेंड्स इसके को जो है मैं थोड़ी देर के लिए ढक देता हूँ। लौ जो है वो धीमा है, धीमा ही रखना है। और इसको ढक दिया है ताकि जो भी मैंने चीजें डाली है वो सही सिस्टमेटिक उबल जाए। अब 3-4 मिनट बीत चुका है फ्रेंड, उसके बाद मैं अब इसके अंदर नमक डाल रहा हूँ। और ये नमक डाल दिया है इसके अंदर और इसको अच्छे से एक बार जो है हिला दें ताकि जो भी अभी तक उबला है वो सारा जो है सामान रहे। और वापस इसको ढक दी। तो फ्रेंड्स ये जो है लगभग अभी 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे गरम किया है, उबाला है। अब ये देखिए मैंने इसको खोला है, ये अच्छे से उबल रहा है। लौ जो है इसका आंच जो है वो बहुत मतलब धीमा है, धीमे आंच में ही करना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा देखिए फ्रेंड सरसों का तेल डाला है, हल्का सा नाम मात्र डाला है। और अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स जैसे अभी कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये सब सारी चीजें अगर अपन पीते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। जैसे कि तुलसी पात जो है आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को। तो उसके अकॉर्डिंग दिन में एक बार पीना चाहिए, इससे जो है सर्दी जुखाम खांसी वगैरह भी दूर रहेगा और अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उन सब से भी आपको राहत मिलती रहेगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से जो है हिला दिया है कम्प्लीटली और वापस मैंने इसको ढक दिया है ताकि ये प्रॉपर जो है इसके अंदर जो भी चीजें डाली हुई है वो सब जो है प्रॉपर तरीके से जो है उबल जाए और सब जो है मिश्रण हो जाए। तो इसी प्रकार से जो है फ्रेंड्स इसको रखना है थोड़ी देर के लिए, उबालना है इसको। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको खोल के कि तैयार हुआ कि नहीं। लगभग 15 मिनट हो चुका है तो अब देख लीजिए ये जो है प्रॉपर वे में इस कलर भी आ गया है इसके अंदर और जो पत्ते हमने डाले थे वो भी बिल्कुल ही उबल चुका है। तो अब जो है इसको हमारे को क्या करना होगा, तो कप या ग्लास वगैरह में किसी भी चीज में इसको अच्छे से जो है
निकाल लेना है, और निकालने के बाद जैसे चाय पीते हैं अपन, उस प्रकार से जो है इसको आप पी सकते हो। चाहो तो मॉर्निंग में भी आप इसको ले सकते हो, या फिर शाम को अगर लेना चाहें आप तो शाम को भी ये ले सकते हैं। एक कप काढ़ा आपके सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी काढ़ा बना सकते हैं। अगर परिवार घर में किसी को जुकाम हो गया, सर्दी हो गया है, तो आप उनको पिला सकते हैं। और खास करके अभी के टाइम में तो बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके घर में, उनको तो पिलाना ही चाहिए, ताकि जो भी बीमारियां हैं वो लगे नहीं उनको। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।